ये है मेहरानगढ़ दुर्ग, भारत के राजस्थान प्रांत में जोधपुर शहर में स्थित है। 15वीं शताब्दी का यह विशालकाय किला पथरीली चट्टानी पहाड़ी पर मैदान से 125 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और 8 द्वारों व अनगिनत बुर्जों से युक्त है। यह 68 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवार से घिरा है। यह किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। राव जोधा जोधपुर के राजा रणमल की 24 संतानों में से एक थे। वे राजपूतों के राठौर वंश के मुखिया थे जो अपने आप को रामायण के वीर नायक राम के वंशज मानते थे। वे जोधपुर के 15वें शासक बने। शासन की बागडोर संभालने के एक साल बाद राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला असुरक्षित है। उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर नया किला बनाने का विचार प्रस्तुत किया। राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस पहाड़ी पर किले की नींव डाली, जिसे महाराजा जसवंत सिंह ने पूरा किया। कहा जाता है कि किले के निर्माण के लिए राव जोधा ने एक ऋषि चिड़ियानाथ जी को जबरदस्ती इस जगह से हटाया था, जिसके बाद उस ऋषि ने राजा को साफ दिया था कि इस किले को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाद में राव जोधा ने उनके लिए एक मंदिर और घर बनवाकर उन्हें प्रसन्न किया। आप सबको बता दें कि मेहरान का अर्थ सूर्य होता है, इसलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले को मेहरानगढ़ किले के रूप में नामित किया। इस किले के मुख्य निर्माण के बाद जोधपुर के अन्य शासकों मालदेव महाराजा, अजीत सिंह महाराजा, तख्त सिंह और महाराजा हनुमंत सिंह द्वारा इस किले में अन्य निर्माण कार्य किए गए। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम हैं। इनमें से उल्लेखनीय हैं मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेह खाना, दौलत खाना आदि। किले का एक हिस्सा संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां शाही पालकियों का एक बड़ा संग्रह है। इस संग्रहालय में 14 कमरे हैं जो शाही हथियारों, गहनों और वेशभूषाओं से सजे हैं। इसके अतिरिक्त पालकियाँ, हाथियों के हौदे, विभिन्न शैलियों के लघु चित्रों, संगीत, वाद्य, पोशाकें, फर्नीचर का आश्चर्यजनक संग्रह भी है। मूल रूप से किले के 7 द्वार हैं, 8वां द्वार भी है जो कि गुप्त है। प्रथम द्वार पर हाथियों के हमले से बचाव के लिए नुकीली कीलें लगी हैं। अन्य द्वारों में शामिल है जयपोल द्वार, जिसका निर्माण 1806 में महाराजा मान सिंह ने अपनी जयपुर और बीकानेर पर विजय प्राप्ति के बाद करवाया था। फतेह द्वार अथवा विजय द्वार का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों पर अपनी विजय की स्मृति में करवाया था। इसके अलावा अन्य द्वार के नाम हैं भैरव द्वार, डेढ़ सामाग्रा द्वार, मारती द्वार इत्यादि। ये है मोती महल। मोती महल, जिसे पर्ल पैलेस के रूप में भी जाना जाता है, किले का सबसे बड़ा कमरा है। यह महल राजा सूर सिंह द्वारा बनवाया गया था, जहां वे अपनी प्रजा से मिलते थे। यहां पर्यटक श्रीनगर चौकी, जोधपुर के शाही सिंहासन को भी देखा जा सकता है। यहां 5 छिपी बालकनी है, जहां से राजा की 5 रानियां अदालत की कार्यवाही सुनती थी। अब हम बात करते हैं फूल महल। फूल महल मेहरानगढ़ किले के विशालतम कमरों में से एक है। यह महल राजा का निजी कक्ष था। इसे फूलों के पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। इसमें एक छत है जिसमें सोने की महीन कारीगरी है। महाराजा अभय सिंह ने 18वीं सदी में इस महल का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि मुगल योद्धा सरबुलंद खान पर राजा की जीत के बाद
अहमदाबाद से यह सोना लूटा गया था। शाही चित्र और रागमाला चित्रकला महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान महल में लाए गए थे। अब ये है शीश महल। शीश महल सुंदर शीशे के काम से सजा है। आप शीश महल में चित्रित धार्मिक आकृतियों के काम को भी देख सकते हैं। इसे शीशे के हॉल के रूप में भी जाना जाता है। ये है झांकी महल। झांकी महल जहां से शाही महिलाएं आंगन में हो रहे सरकारी कार्यवाही को देखते हैं। यह एक सुंदर महल है। वर्तमान में यह महल शाही पालनों का एक विशाल संग्रह है। ये पालने गिल्ट दर्पण और पक्षियों, हाथियों और परियों की आकृतियों से सजा है। ये है चामुंडा माता का मंदिर। कहा जाता है राव जोधा को चामुंडा माता में अथाह श्रद्धा थी। चामुंडा माता जोधपुर के शासकों की कुल देवी होती है। राव जोधा ने 1460 में मेहरानगढ़ किले के समीप चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और मूर्ति की स्थापना की। मंदिर के द्वार आम जनता के लिए भी खोले गए। चामुंडा माँ मात्र शासकों की ही नहीं बल्कि अधिसंख्य जोधपुर निवासियों की कुल देवी थी और आज भी लाखों लोग इस देवी को पूजते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यह छतरी जो आप देख रहे हैं, कीरत सिंह सोडा जो एक योद्धा थे, एम्बर की सेनाओं के खिलाफ किले की रक्षा करते हुए गिर गए थे। यही उन्हीं के सम्मान में ये छतरी बनाया गया है। छतरी एक गुंबद के आकार का मंडप होता है जो राजपूतों की समृद्ध संस्कृति में गर्व और सम्मान व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है।